बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की यम्मी सी रेसिपी में आप सबको वेलकम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटन पाई। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत डिफरेंट से तरीके से हम आपको मटन पाई बनाना सिखाएंगे। फ़ौरन से चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाते। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिए हैं चार अदद पाए, यानी कि बकरी के चार पाए होते हैं। वो चारों पाए हमने ले लिए हैं, कट कर लिया है, धो लिया अच्छे से। यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर हमने लिया है पानी, तकरीबन एक लीटर पानी हमने लिया है, आधा कुकर भर जाए। इसके अंदर हम डालते हैं एक खाने का चम्मच नमक और डाल देते हैं पाए इसके अंदर। कुकर को हम बंद करते हैं 25 मिनट के लिए, यानी सीटी चलने के बाद 25 मिनट। और 25 मिनट के बाद ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पाए गल चुके हैं। ये इसकी यखनी भी बन चुकी है और ये इसकी यखनी भी साथ ही है और बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने मटन पाए को पहले गला लिया कुकर में। यहाँ पर हमने लिया है एक अदद बर्तन, एक पॉट लिया है। इसके अंदर हम डालते हैं ऑयल, 2 चम्मच हमने घी लिया है इसके अंदर। घी को मेल्ट होने देते हैं और ये हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच लहसुन पेस्ट। फ्रेंड, लहसुन पेस्ट को हम ऑयल के अंदर पहले अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड, समटाइम ऐसे होता है, पाए तो आप बना लेते हैं लेकिन अजीब सी एक स्मेल उसके अंदर रहती है, एक अजीब सा टेस्ट रहता है। तो आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से उस टेस्ट को, स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है। यहाँ हम इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज। फ्रेंड्स, 2 अदद नॉर्मल साइज़ प्याज को हमने फाइन कट कर लिया था, नॉर्मली कट कर लिया। ये हम ऑयल के अंदर शामिल करते हैं और इसे हम फ्राई करते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी कि इसका जो पर्पल कलर है ना, ये गायब हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसका वाइट कलर आ गया है। 2 अदद टमाटर को हमने फाइन कट कर लिया है, प्याज के अंदर डालते हैं, भुनाई करते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर को हम प्याज के अंदर इसलिए फ्राई करेंगे क्योंकि इससे ग्रेवी अच्छी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है सालन का। 1 चम्मच नमक हमने इसके अंदर डाला है। हम यहाँ पर नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने पहले पाए के अंदर नमक डाला था, 1 चम्मच नमक डाला था, यहाँ पर हम नमक कम डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी इसके अंदर हमने डाली है। भुनाई करते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्चें कम रखा करें सालन के अंदर क्योंकि जो गर्मी के सीज़न में मैदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा स्पाइस खाते हैं फिर आगे जाके, यानी कि फ्यूचर में उनका मैदा ख़राब हो जाता है, उन लोगों की ज़बान को कोई भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। मसाला यकजा होना चाहिए, यानी कि टमाटर और प्याज अच्छे से इनकी ग्रेवी बन जाए, मसाला यकजा हो जाए। हमने इसके अंदर डाला है 1 कप पानी। भुनाई करते हैं मसाले की, यानी कि वक्फे वक्फे से हम पानी डालेंगे, मसाले की भुनाई करेंगे, वो पानी खुश्क हो जाएगा और दोबारा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसी तरह से मसाले की इतनी भुनाई करनी है कि ये यकजा हो जाए, ग्रेवी बन जाए। यहाँ पर देखिए 3 अदद लौंग इसके अंदर हम शामिल करेंगे। 1 अदद तेज़पत्ता हमने इसके अंदर डाला है। 1 अदद बड़ी इलायची इसके अंदर डालेंगे, मोटी इलायची भी जिसे कहते हैं, काली इलायची जो होती है गरम मसाले के अंदर मौजूद होती है, वो हमने इसके अंदर डाला है। मसाला देखिए माशाल्लाह से यकजा हो गया है। मज़ीद भुनाई करते हैं क्योंकि हमने गरम मसाला इंग्रेडिएंट डाले हैं तो इसका भी जायका और जो इसकी तासीर है, खूबी है, वो भी मसाले के अंदर रच जाए। ये हमने इसके अंदर डाला है 1/2 कप दही। दही फ्रेंड्स हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये हाजमे के लिए बेहतर होती है और इससे सालन का टेस्ट अच्छा आता है और जो पाए के अंदर स्मेल वगैरह होती है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मसाला तैयार हो गया हमारा। हम इसके अंदर डाल देते हैं पाए जो कि हमने गलाए थे कुकर के अंदर 25 मिनट तक, और यखनी समेत ही हम शामिल कर देते हैं मसाले के अंदर। यहाँ पर फ्रेंड, जो यखनी बनी है पाए की, वो आप खाली भी पी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है घुटनों के लिए, जोड़ों के मरीज़ों के लिए, और उसके अलावा कमर की हड्डी में अक्सर लोगों को दर्द होता है उसके लिए ज़बरदस्त है। डाइटिंग में जो लोग करते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं मटन पाए। हम इसके अंदर डालते हैं 1 गिलास मज़ीद पानी और इसे पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए, पानी को बॉइल आ जाए। आप यहाँ पर जितना शोरबा चाहें उतना रख सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से।
फ्रेंड्स हमारे मटन पाए हो गए हैं तैयार। हमने फ्लेम ऑफ कर दी है, हम इसे नीचे उतारते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं, मटन पाए को सर्व करते हैं। चम्मच की मदद से मटन पाए को एक बॉल के अंदर डालते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी है आपको ये वीडियो? बहुत ही यमी सी वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। लाइक एंड शेयर तो बनता है। समटाइम फ्रेंड्स आपको वीडियो तो अच्छी लगती है लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पे आपको वो वीडियो नहीं मिलती है। इसी तरह से आप हमारी यूनिक सी रेसिपी से महरूम रह जाते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी यम्मी से मटन पाए हो गए हैं तैयार। एडवाइज़र कुकिंग आपके लिए इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लाता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।